सोचो गाइस कितना प्यारा व्यू हो गया है यहाँ पे। देखो सनराइज हो रहा है, एक्चुअली माउंटेन के पीछे सन है तो थोड़ा रेडिश हो गया स्काई। सो गाइस वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन, फाइनली पहुंच गए। इसकी वजह से लेट हुआ है, काफी ज्यादा हॉल्ट करवाया इसने, ये बंदे ने। हाँ बेचारा अपना दोस्त। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, जो रिजॉर्ट का नाम है वो माइशा रिजॉर्ट है। यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस है एक्चुअली ये है, और ये भाई करेंगे सिरन नाम इनका, और परिवर्तन है तो थ्री ग्रुप का बैंड देखते परफॉर्म करेंगे। गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है अभी, अंदर जा परिवार। और ये परिवर्तन भाई हमारे, तेरा हल्के सा अभी गुड गुड 90% रिकवरी मोड। वो तो है हमारे साथ, और क्या शायद से किचन किधर गया हो। गेटिंग रेडी, पूरा हो चुका है सेटअप, अभी थोड़ा बस बचा है यहाँ पे एम्प्स कनेक्ट करना है, थोड़ा सेट हो चुका है यहाँ पे। कमेंट करके बताओ कौन सा गाना बजा रहा है। चलो गाइस कुछ स्टार्ट करो, कुछ सुनाओ। गाइस तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पर अभी थोड़ा मैनेजमेंट।
हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक और गाना जॉइन करना चाहता हूं। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना। एकदम मस्त परफॉर्म किया, मस्त परफॉर्म किया। ओ सर देखो सर, ऐसे नैनो की बात कर बीच में, ऐसे नैनो की बातों में कोई क्यों ना जाए। इसमें थोड़ा ही हो गया, चुक गया था। गाते गाते अच्छा खाना है ना। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। हेलो मैं आईसी हूँ। झूठ मत बोल तू। रोटी भी है, रोटी भी है, रोटी भी है। साहब बादल दो रोटी भी लेके आ रहा है इस बेचारे काम को। वो गाना का वो कौन से शादी का साजन जी घर से जाए। हे गाइस, तो अभी खाना खाकी हो चुका है। जो खाना था वो बहुत बढ़िया था, और खाने में हम लोग को एक्चुअली जीरा राइस था और चिकन का ग्रेवी था, बटर चिकन था, एंड उसके साथ रोटी दिया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। अभी जैमिंग हो गया या खाना हो गया पूरा, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बाद शॉट दिखाऊंगा। और फिर सुबह होगी ना, तब मैं आपको पूरा प्रॉपर्टी का, आपको जो विला है, जो रिसॉर्ट है एक्चुअली, सॉरी, उसका मैं आपको व्यू दे दूँगा। ठीक है, वही तो बोला। हाय गाइस, तो अभी हम लोग गाइस तो हम लोग अभी स्मगल करके जा रहे हैं। हाँ अभी देखो पानी का बॉटल छू रहा है हमने, तीन तीन। हाँ, और ये वाइड एंगल में ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वाइड एंगल में नहीं है, नॉर्मल है। तो गाइस हम लोग का शो हो चुका है, अभी हम थोड़ा जैमिंग आफ्टर शो आफ्टर शो जैमिंग कर रहे गाइस। तो बने रहे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए एबीपी न्यूज़ आज तक। बाय। गाइस आवाज़ तो आ रही होगी आपको, अरे कुत्ता। खोप आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत लहरों की आवाज। रात को खींचे भाई, ऐसा लग रहा है सुबह सुबह। अच्छा, अभी निकला? अभी निकला। दिखा मेरा फोन। अरे 1080p में दिख रहा है, 30fps में ये दिख रहा है।
तो वैसा भी दिख रहा होगा आपको बीच यहाँ पे। ये कौन सा बीच है? काशिद बीच है ना? मेरे से मुरुड। मुरुड, ओके। मुरुड बीच और 10-15 मिनट्स है काशिद। रात के 2 बज रहे हैं, सुबह के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे हम जैमिंग कर रहे हैं। देखो गाइस, ये होता है और यहाँ पे पीछे हमारे समुंदर है, मुरुड बीच। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है तो मैं नमाज पढ़ लिया, फिर उसके बाद अभी थोड़ा मैं जस्ट थोड़ा वॉक कर रहा हूँ और मैं आपको अभी पूरा व्यू दिखाता हूँ जो सी व्यू है एक्चुअली। तो ज़रा देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। मैं उधर ही जा रहा हूँ एक्चुअली, वेट करना। तो ये व्यू आ रहा है सुबह सुबह का, बैक साइड है एक्चुअली, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये है यहाँ पे रूम्स वगैरह, यहाँ पे ऊपर स्विमिंग पूल है तो जाने का देखेंगे अभी फिलहाल के लिए। और ये है व्यू बैक साइड से, डायरेक्ट सी व्यू मिल रहा है। कितना प्यारा आवाज़ आ रहा है, कितनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, बता नहीं सकता मैं आपको। सो गाइस, अभी थॉमसन को भी उठाया मैंने तो पूल में उतरने का देखेंगे। फिलहाल तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अभी टूर करवाता हूँ जो मायशा रिजॉर्ट है। तो मैं आपको पूरा उसका जो डिटेल्स है, जो भी लोकेशन है, कैसे पहुँचते, कहाँ से आते एंड कितने प्राइजिंग्स वगैरह, कितना प्राइस है रिजॉर्ट का, पूरा मैं आपको डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर वीडियो के एंड तक बने रहे। तो मैं इनके ओनर से भी आपको बात कराऊँगा कि क्या डिटेल्स है, किधर लोकेशन है। खाना बहुत अच्छा है एक्चुअली यहाँ पर, तो ज़रूर विज़िट किए मायशा रिजॉर्ट। मैं आपको पूरा डिटेल्स एंड में दे दूँगा। तो फिर चलो आपको टूर कराता हूँ यहाँ का पूरा। इसे पहचानते ही होगे थॉमसन। और ये मैं जगह आपको दिखाया अभी, जैसे कि यहाँ पे आपको सी फेसिंग मिलता है, यहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो, मरीन ड्राइव वाली वाइब आएगी। और यहाँ पे ऊपर स्विमिंग पूल है, यहाँ पे सी व्यू का रूम है एक्चुअली। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसका जो प्राइसिंग है वगैरह मेरे को एक बार इसकी जानकारी मिल जाएगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पूरा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे रूम्स है अलग अलग तरह के, यहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे एक रूम है और वहाँ पे एक रूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ़ोटो निकालना रहेगा तो आप यहाँ पे फ़ोटो निकाल सकते हो। ये लॉन एरिया है और ये है मायशा रिजॉर्ट का नाम लिखा है। एंड यहाँ पे 2 रूम्स है, ठीक है। ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड एरिया, लॉन एरिया। ऊपर भी समथिंग है, ऊपर जस्ट कुछ पार्टीज वगैरह या फिर कुछ सिंगिंग हो गया या फिर कुछ हो गया तो वहाँ पे आप कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एक बार मैं आपको पूल दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये पूल एरिया है एंड ठीक है, छोटा सा है बट क्यूट सा पूल है। आपको यहाँ पे सी फेस का मीन सी व्यू भी मिल जाएगा पूल से। और ये है बीच एक्चुअली, देख सकते हो बाजू में, ये एक रूम है आई गेस यहाँ पे, और यहाँ पे बीच है। तो यहाँ पे आपको पूरा व्यू मिल जाएगा, ठीक है। और सनराइज पीछे हो रही है मेरे, तो सनराइज़ भी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो मौसम कितना प्यारा हो गया। चलो मैं आपको और भी टूर कराता फट। और यहाँ पे 2 स्विंग्स रखे हैं, देख सकते हो, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। थॉमसन का एक्चुअली परफॉर्मेंस यहाँ पे ही हुआ था। तो और ये है एक्चुअली लंच का एरिया यहाँ पे, जहाँ पे खाना, कैफेटेरिया एक्चुअली बोल सकते हो। यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल बंद, अभी कोई नहीं है एक्चुअली सुबह सुबह इसके लिए। यहाँ पे हमने खाना खाया था कल, तो
अभी ब्रेकफास्ट भी यहीं पे होगा और ऊपर भी रूम है आई गेस, तो देखता हूँ मैं बाद में जाके। फिलहाल यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एक रखा है, ठीक है। और ये ऑफिस है जहाँ पे वसीम भाई बैठे, और यहाँ पे एक रूम है, ठीक है। तो इतना ही था फिलहाल, ऊपर मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगा क्योंकि आइडिया नहीं है इसलिए वहाँ पे रूम है कि नहीं। तो फिलहाल अभी सबका उठने का इंतज़ार करते हैं और फिर स्विमिंग पूल में जाने का हुआ तो देखते हैं। तो गाइज़ ये इतना ही था अभी फ़िलहाल के लिए, और जो ऊपर का एरिया मैं आपको बाद में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल देखता हूँ मैं थॉमसन के पास जाता हूँ, देखते कि उठे कि नहीं जो मेरे दोस्त लोग हैं सोए फ़िलहाल से। मैं जल्दी उठ गया था नमाज के लिए इसके लिए, तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह होगा या फिर पूल में डायरेक्ट उतरेंगे कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं अभी फ़िलहाल उधर जाने का देखता हूँ, ठीक है। होप आपको पूरा वीडियो पसंद आएगा, तो मेक श्योर करना आप जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जो भी मैं लेटेस्ट ब्लॉग डालूंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप 3 लोगों को शेयर कर दीजिए और उनको 3 को कहिए कि और 3 लोगों को शेयर करें, ठीक है। हाँ चलो। सो गाइस कितना प्यारा व्यू हो गया यहाँ पे, देखो सनराइज हो रहा है। एक्चुअली माउंटेन के पीछे सन है तो थोड़ा रेडिश हो गया स्काई, देख सकते हो। और उसी के ठीक सामने ये व्यू देखो, लाइक एक तरफ ये व्यू और दूसरी तरफ ये। ऐसे सोने पे सुहागा रहे हैं वैसा, इधर कितना पीस मिल रहा है। यहाँ पे आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, आपको समय का पता नहीं चलेगा बट शांति ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और हवाएं जो चल रही है ना यहाँ पे, इतना प्यारा हवा चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। सो गाइज डू विजिट मायशा रिजॉर्ट, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, डिटेल में पूरा समझा दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो, कहाँ से बुकिंग कर सकते हो एंड क्या क्या चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो हम गाइज जा रहे हैं फाइनली पूल में, तो उड़ी मारते हो अभी। तो गाइस जो पूल में जाने का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि पूल का पानी एक्चुअली थोड़ा गंदा है, थोड़ा नहीं काफ़ी गंदा है, तो उधर जाने का प्लान कैंसिल हुआ। तो अभी हम लोग जो है बीच जो मेरे पीछे है, मैं दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे बीच है, ठीक है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे फिर निकलेंगे घर की तरफ, बीच वहाँ तक जाने का प्लान है, देखते हैं। चलो चालू तो है, तो गाइस अभी बीच पे जो है हम लोग बैठ के हो चुका है थोड़ा 10-15, एक्चुअली आधा घंटे से ज़्यादा ही बैठ लिए। तो अभी ऊपर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि आप कैसे बुक कर सकते हो, कितनी प्राइसिंग होगी और क्या क्या जो भी रहेगा सब मैं आपको बता दूंगा। तो व्लॉग में बने रहिए, ठीक है, एंड में। तो अभी मैं जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने, ठीक है, चलो बाय। करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं भाई, पोहा है, पोहा। सो गाइस इसके बिना दिन अधूरा है और परफेक्ट चाहिए ये, मतलब थोड़ा मीठा कम और प्रॉपर दूध वगैरह प्रॉपर चाहिए, अच्छा लगा मेरे को। थम्स अप टू मायशा रिजॉर्ट। वैसे अभी भुर्जी पाव आई, पोहा खा के हो गया, चाय पी लिया, अभी भुर्जी पाव। तू लाइव कैसे लिंक ड्राइव का अपलोड कर, नहीं नहीं एयरड्रॉप। यहाँ पे मैं जो बात करता हूँ कि ओनर से एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है वो बताएंगे कि कैसा है रेंट, कैसा है यहाँ पे और कितना है। तो हाय गाइस, बता सकते हो आप इतना यहाँ पे कैसे पहुँचते हो और रेंट
कैसा है? देखो बेसिकली अगर आप लोग अलीबाग तक भी आओगे तो हम आपको ट्रैवलिंग करवा देंगे वहाँ से. आपको बस रिसेप्शन पे हमसे बात करना है जब आप आओगे. एंड मोर ओवर यहाँ पे आने के लिए आपको मोस्टली गाड़ी लगेगी या फिर आप फेरी से भी आ सकते हो बॉम्बे से. एंड और क्या बताऊँ मैं भाई. प्राइजेस कैसे हैं यहाँ पे? कितना प्राइजेस है? लॉन फेसिंग 4,500, सी फेसिंग 6,000 है. एंड बाकी आप कॉल करिए हमें, हम आपको आगे भी बताएंगे कैसा है क्या है. हमारा स्टाफ बहुत फ्रेंडली है आपको, हम बराबर से गाइड करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस माइशा. ठीक है, थैंक यू सो मच. पैकअप कर रहे तो गाइस पूरा हो चुका है अभी यहाँ पे पैकअप और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है. दिखा दो जो हमारी गाड़ी है, जो कैब है, ये यहाँ पे आके रुकी है. स्विफ्ट डिजायर कब से आके रुकी है? एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, रुक गई थी यहाँ पे गाड़ी, तो अभी निकलेंगे हम थोड़ी देर में. ठीक है, तो गाइस आपको मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको पूरा व्लॉग पसंद आएगा. तो फिर इतना ही था, अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में. ठीक है, जो भी डिटेल्स रहेगा मैं आपको, जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो. माइशा रिजॉर्ट है, आप अलीबाग में आओगे तो अलीबाग से आपको एक्चुअली फ्री ट्रैवल भी मिल जाएगा अलीबाग तक. तो आप चेक कर लो. ठीक है, आपको पसंद आया तो आप मेक श्योर करना आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल का सब्सक्राइब करना. तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ. टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय.